जीएन भारत जन जन तक। सरकार और बीजीआर के खिलाफ भड़के बाबूलाल। बाबूलाल ने कहा, मांगे नहीं मानी गई तो होगा आंदोलन। पाकुड़ जिले में जन विद्रोह के खिलाफ दो दिवसीय धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार जनता की छोटी छोटी मांगे भी नहीं पूरा कर पा रही है। विस्थापितों को घर रहने की सुविधा तक नहीं दी जा रही है। मांगे नहीं मिलने पर छीन कर लेने की बात कही बाबूलाल मरांडी ने। सरकार और बीजीआर के खिलाफ भड़के बाबूलाल। बात नहीं मानी तो होगा आंदोलन, बाबूलाल। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शुक्रवार को पाकुड़ जिले के महेशपुर पिपरजोरी फुटबॉल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय जनमुद्दों के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जारी दो दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार जनता की छोटी छोटी मांगों को भी पूरा नहीं कर पा रही है। स्थानीय जनता त्रस्त है। आमड़ापाड़ा बीजीआर कंपनी झारखंड सरकार द्वारा की गई करार के खिलाफ कंपनी लोगों को शोषण कर रही है। आमड़ापाड़ा पाकुड़ रोड पर प्रतिदिन उड़ते धूल के कण से लोग परेशान हैं। यहां ना ही रोड पर पानी का छिड़काव किया जाता है और ना ही विस्थापितों को रहने के लिए घर दिया जा रहा है, जिससे जनता परेशान है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर जनता का हक नहीं दिया गया तो बीजीआर कंपनी माइंस पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगी। उन्होंने जनता का हक मांगने से नहीं मिलने पर छीन कर लेने की बात कही है। अब पाकुड़ जिला के मारो मंडल के अध्यक्ष आप इधर चले आएंगे और कितना मिलता है, जैसे मनरेगा में जो पैसे मिलते हैं उससे थोड़ी सी अधिक पैसे मिलते हैं, जबकि सरकार की कोई कंपनी की जो नियम है कोयला खदानों में या भिन्न भिन्न उपक्रम में लोग काम करते हैं उसकी अलग अलग प्रकार की मजदूरी की दर निर्धारित किया। जो कोयला खदानों में लोग काम करते हैं उन मजदूरों को भी अलग दाम है, अलग कीमत, अलग मजदूरी है, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी है उसका कोई पालन नहीं करते, उसके मुताबिक लोगों को दाम नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलता। और इसलिए मैं कंपनी को भी, बंगाल की सरकार को भी, झारखंड सरकार को भी मैं हिदायत देना चाहता हूँ, आप जो ये काम करते हो क्षेत्र में, आपका जो मानक है सरकार की ओर से जो तय किया हुआ मानक है, उन मानकों का आपको पालन करना पड़ेगा। एक जगह से दूसरे जगह भागने और भगाने की नौबत नहीं आवे कि आपको एक बार सर्वे करके एक बार ऐसे स्थान सुनिश्चित करे जहां उनके घर बन जाए और उनकी खेती बाड़ी भी सुचारू रूप से चल सके, उसकी सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप यहां चाहे रेलवे साइडिंग हो, चाहे खदान का इलाका हो, यहाँ के लोगों को 75% से अधिक लोगों का काम मिले, अगर 75% से कम लोगों को काम मिलेगा तो एक दिन इसी पाकुड़ जिला के लोग धंधे लेकर के उस खदानों में भी जाएंगे और अपनी हक और अधिकार को लड़ करके लोग मिलेंगे। उसके लिए आप ये नहीं कहे कि यहाँ के लोग लड़ाई लड़ करें। अब पाकुड़ जिला के मारो मंडल के अध्यक्ष आप इधर चले आएंगे और अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।